हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर आज मैं आपको क्लास इलेवन सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर टू कलेक्शन ऑफ डाटा कराने जा रहा हूँ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कलेक्शन ऑफ डाटा का में हम इसमें क्या रीड करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा इंक्लूड सोर्स ऑफ डाटा एंड मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अब सोर्सेज ऑफ डाटा सोर्सेज ऑफ डाटा में डाटा दो तरीके से के सोर्स से इकट्ठा किया जा सकता है पहला है प्राइमरी सोर्स दूसरा है सेकेंडरी सोर्स प्राइमरी सोर्स कौन सा सोर्स होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ रीजन जहाँ से हमें डाटा ओरिजिनल या फर्स्ट ऑफ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हम क्या बोलेंगे प्राइमरी सोर्स इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी फॉर एग्जांपल यदि मैंने किसी प्लस वन क्लास के बच्चे से उसके बारे में कोई जानकारी लेनी है और यदि मैं उससे ही पूछ रहा हूँ या उन्हीं बच्चों से बात करके डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो वो प्राइमरी सोर्स कहलाया जाएगा राइट right स्टूडेंट्स उसके बाद है सेकेंडरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम सम एजेंसी इंस्टीट्यूशन विच ऑलरेडी हैव कलेक्टेड द डाटा इट डजेंट ऑफर यू फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ये ऑलरेडी किसी और द्वारा इकट्ठा किया गया डाटा होता है यहाँ फिर मैं एग्जाम्पल प्लस वन क्लास के स्टूडेंट्स का ही लेता हूँ कि यदि मैंने इस यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स के में कोई प्लस वन क्लास के किसी बच्चों का कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो मैं आपके स्कूल से यदि वो डेटा मिलता है तो इसका मतलब वो स्कूल ने ऑलरेडी वो कलेक्ट करके रखा हुआ है किसी अपने पर्पज़ के लिए और वो मुझे मेरी डेटा की इंक्वायरी के लिए या मेरे स्टडी करने के लिए या मुझे मेरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो मुझे वो दे रहे हैं वो डाटा तो वो स्कूल आपका मेरे लिए वो सेकेंडरी सोर्स है जिससे मुझे आई वो डाटा मिल रहा है प्राइमरी सोर्स में मैं डायरेक्टली प्लस वन के क्लास के बच्चों से कलेक्ट कर रहा था और सेकेंडरी सोर्स में मैं स्कूल से ले रहा हूँ डाटा तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स राइट स्टूडेंट्स चलिए हम आगे बात करते हैं अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होता है प्राइमरी डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पज वो अपने पर्पज के लिए डाटा कलेक्ट करता है फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा जब जो डाटा इकट्ठा करने वाला पर्सन है जिसको इन्वेस्टिगेटर कहते हैं वो खुद शुरू से लेके एंड तक सारा डाटा खुद कलेक्ट करे तो उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं और सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है किसी और में इकट्ठा किया हुआ है और उस डाटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं किसी अपने पर्पज़ के लिए तो उसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी डाटा सो सेकेंडरी डाटा आर दोज डाटा विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर परपज दैन द सर्वे यू वॉन्ट टू कंडक्ट राइट स्टूडेंट्स उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा यहाँ पे सीरियल नंबर के बाद डिफरेंस के बेसिस हैं फिर प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा सो डिफरेंस ऑफ इन ओरिजिनलिटी पहले ओरिजिनल है फिर नॉट ओरिजिनल डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सम अदर पर्पज और डिफरेंस इन कॉस्ट प्राइमरी डाटा कॉस्टलियर होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है और सेकेंडरी डाटा एज कंपेयर टू प्राइमरी डाटा लेस कॉस्टली और लेस टाइम कंज्यूमिंग है तो स्टूडेंट्स ये था प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स एंड डाटा अब हम बात करेंगे हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड क्योंकि इसको समझना जरूरी है कि डाटा किस तरीके से इकट्ठा किया जा सकता है दूसरा मेथड्स या वो स्टैटिस्टिकल मेथड कौन से हैं या वो मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा कौन से हैं जिससे हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं तो इसको मैंने तीन पार्ट्स में बांटा है जैसा कि आप देख भी रहे हो एक होता है पर्सनल इंटरव्यू दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन तीसरा टेलीफोनिक इंटरव्यू तो पहले जो हम बात करेंगे पर्सनल इंटरव्यू उसके अंदर तीन आते हैं पर्सनल इंटरव्यू में तीन कौन से आगे कलेक्शन के मोड हैं पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज यहां जब पर्सनल की बात करें तो पर्सनली हम उस पर्सन से या ओरिजिन से या उस सोर्स से मिलते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाटा को कलेक्ट करने के लिए उनसे इंटरव्यू करके इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है हम उनके पास नहीं जाते और मेल करके या इन्यूमरेटर मेथड से हम वो डाटा को कलेक्ट करते हैं और तीसरा तो एक सिंगल है ही है कि टेलीफोनिक इंटरव्यूज अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा पर्सनल इंटरव्यू स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तीन हैं इसके आगे टाइप तीन है मैंने इस तीनों को कंपेरेटिव चार्ट के फॉर्म में बनाया है आप चाहो तो इसको पॉज करके आपके नोट्स भी और कंपेरिजन रूप के रूप में भी इजीली इसको समझ सकते हो और बना सकते हो पर्सनल इंटरव्यूज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन दूसरा है इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तीसरा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पोंडेंट मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में इट इज़ द मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द फ्रॉम द रेस्टोडेंट जिससे डाटा लेना है उस बंदे से जब हम पर्सनली कलेक्ट करते हैं डाटा तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन उसके बाद है सुटेबिलिटी सुटेबिलिटी क्या होती है द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड यहाँ फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड है ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑरिजिनलिटी ऑफ डाटा इज रिक्वायर्ड ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑरिजिनलिटी रिक्वायर्ड है हमें ओरिजिनल डाटा चाहिए तीसरा इंफॉर्मेशन टू बी केप्टीक्रेट इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाती है या जा रखनी चाहिए या रखने की जरूरत है तो उस केस में हमें पर्सनली मिलकर ही उससे डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा फोर्थ है एक्ोरेसी ऑफ डाटा इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस क्योंकि यदि हम किसी और से कलेक्ट करेंगे तो हो सकता है मुझे उसकी एक्यूरेसी uh, पे डाउट हो या वो एक्यूरेट डाटा दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है मेरे को सेकेंडरी सोर्स तो यहाँ पे मैं उसको खुद डाटा कलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए वेन कॉन्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज़ रिक्वायर्ड और ऐसी जगह पे जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है उस केस में हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ही चूज़ करेंगे और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के मेरिट क्या है पहला है ये ओरिजिनल डाटा होता है एक्यूरेट होता है तीसरा रिलायबल है इस पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि मैंने खुद इकट्ठा किया है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूनिफॉर्मिटी और इलास्टिक इलास्टिक मतलब हम मुझे मैं जब उस कन्वीनियंट होगा उस वक्त जाके इसकी इसको कलेक्ट कर सकता हूँ और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के मेरिट्स क्या हैं पहला इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरियाज़ क्योंकि मैं पर्सनली किस कि बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पाऊंगा और वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा पर्सनल बाइस भी हो सकता है इसमें ये कॉस्टली रहता है और इसकी कवरेज भी ज़्यादा नहीं हो पाती ज़्यादा लोगों को हम एक साथ नहीं मिल पाएंगे लिमिटेड एरिया पर ही रहेगा इसका और अब हम सेकेंड की बात करेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इट इज द मैथड बाई विच इंफॉर्मेशन इज ऑबटेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग होम द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड और नीडेड मतलब कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से हम उस व्यक्ति से नहीं पूछ रहे क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए इलिजिबल नहीं है या इलिटरेट है या इग्नोरेंट है वो खुद नहीं दे पाएगा इट इज कलेक्टली ओरल फ्रॉम अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ये हम उसके साथ जो एसोसिएटेड कोई दूसरे पर्सन है उनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जो उनके बारे में जानते हैं जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी ठीक है जी अब हम इसकी बात करेंगे सूटेबिलिटी द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कंसर्ट इंफॉर्मेंट तीसरा द कंसर्न रिस्पोडेंट आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन चौथा इन्वेस्टिगेशन इज कम्पलेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इनेशन ठीक है जी अब इसके बाद हम बात करेंगे अब ये समझ तो गया ना कि फील्ड पे पर्स पर किया जा सकता है जहाँ इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रूम नहीं हो सकता तो उस केस में हम क्या करेंगे इन ओरल ही पूछेंगे किसी दूसरे पर्सन से पूछेंगे द कंसर्न रेस्टूडेंट कैपेबल नहीं है उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में और चौथा इन्वेस्टिगेशन कंप्लेक्स नेचर किया कि वो खुद इंफॉर्मेशन सिर्फ एक एक्सपर्ट बंदा ही उसके बारे में जानकारी दे सकता है और उसके बाद हम आप डिस्कस करेंगे मेरिट्स इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के ये वाइड कवरेज होती है इसकी ठीक है स्टूडेंट्स लेस एक्सपेंसिव है एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाएगी फ्री फ्रॉम बायस और सिंपल है इसके डिमेरिट्स क्या है लेस एक्यूरेट बायस्ड एंड डाउटफुल कंक्लूजन होते हैं लेस एक्यूरेट रहेगा क्योंकि जब वो हम किसी और पे डिपेंडेंट है उसके क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए तो वो हमें एक्यूरेट आंसर्स कई बार नहीं भी मिल पाएंगे तो तीसरा इसका कौन सा है तीसरा जो इसका पार्ट है वो ये है इन्फॉर्मेशन फ्राम लोकल सोर्सेज इंफॉर्मेशन फ्राम लोकल सोर्स और कॉरेस्पॉडेंट मतलब अंडर दिस मैथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल पर्सन और कॉरेस्पॉन्डेंट एट द डिफरेंट प्लेस दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन फ्राम लोकल सोर्सेज से हम लोकल सोर्सेज मतलब समझ लीजिए जैसे कोई रिपोर्टर हमने किसी एक पर्टिकुलर एरिए में लगा दिया मान लीजिए आपके टाउन के चार एरियाज हैं मतलब ए एरिया बी एरिया सी एरिया डी एरिया ये आपका टाउन है उसमें ये एरिया के अलग अलग नाम है ए एरिया में अलग बंदा लगा अलग कॉरस्पॉन्डेंट लगा दिया बी में अलग पर्सन है सी में अलग पर्सन है डी में अलग पर्सन है जो वहां से इंफॉर्मेशन आपको के सर्वे से रिलेटेड इकट्ठा करता रहेगा और आप बाद में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सबमिट कर देगा तो सूटेबल इट रिक्वेर रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है द इंफॉर्मेशन इज़ यूज बाय द जर्नल्स एंड मैगजीन्स या जर्नल्स या मैगजीन्स बनाने वाले छापने वाले न्यूज़पेपर्स ये ऐसे लोग या ऐसी एजेंसी इस ऐसे तरीके को इस्तेमाल करती हैं अब वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जहाँ नहीं चाहिए और उसके बाद हम इसके बात करेंगे मेरिट्स की सो so, मेरिट्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज की जो मेरिट है पहला ये इकोनॉमिकल है दूसरा वाइड कवरेज है तीसरा इसकी कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पज और डीमेरिट्स क्या है लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी इसमें ओरिजिनल डाटा नहीं मिलता वो हो सकता है कि अपने तरीके से मैनुपलेट करके या अपने तरीके से वो उसको एनालाइज या इंटरप्रटेट करके हमें दे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी पर्सनल बाइस लेस एक्यूरेट एंड डिले इन कलेक्शन डिले इन कलेक्शन भी हो सकता है बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर पर्सन टू कलेक्ट दैट डाटा राइट स्टूडेंट्स चलिए ये था हमारा पहला ये वाला पर्सनल इंटरव्यू वाला हमने किया है अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की जिसमें दो मेथड्स हैं आगे इसको कलेक्ट करने के मेलिंग सर्विस या जिसको मेलिंग मेथड बोल सकते हैं और दूसरा इनमेटर्स मेथड सो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स शेड्यूल और इन डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेलिंग मैथड क्या चीज है बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है अंडर दिस मैथड क्वेश्चन इज अटैच एंड मेल टू दैम विदर्पज ऑफ द इंक्वायरी स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है एक सेट पैटर्न पर हम दस पंद्रह बीस फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इकट्ठे बना लेते हैं सबको एक यूनिफॉर्मिटी से एक जैसे क्वेश्चन होते हैं और वो हम उस व्यक्ति को जिससे कि इंफॉर्मेशन चाहिए उसको मेल कर देते हैं पोस्ट कर देते पहले तो मान लिया पोस्ट कर देते थे लेटर या चिट्ठी जिसको बोलते हैं वो भेज सकते थे अब तो ये ई भी कर सकते हैं द इन्फॉर्मेंट्स नोट्स आर नोट्स द आंसर्स अगेंस्ट द क्वेश्चनर एंड रिटर्न द कंप्लीटेड क्वेश्चनर टू द इन्वेस्टिगेटर और जिसको इंफॉर्मेशन सीख की गई है उसे मांगी गई है फिर वो उस क्वेश्चनर को फिल करके वापस भेज देता है इन्वेस्टिगेटर के पास ठीक है जी तो इसके अगेंस्ट इन्यूमरेटर्स का मेथड क्या इन्यूमरेटर के मेथड में भी क्वेश्चनर वैसे ही बनता है जैसे मेलिंग मेथड में बनता है लेकिन यहाँ पे वो मेल नहीं किया जाता यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद उस व्यक्ति का वो अप्रोच करता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है अंडर दिस मैथड क्वेश्चनर इज प्रिपेड अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ द इंक्वायरी द इन्यूमरेटर हेमसेल्फ अप्रोचेज द इन्फॉर्मेंट विद द क्वेश्चनर द इन्यमरेटर हेमसेल्फ फिल द शेड्यूल आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट और वो खुद उससे इंफॉर्मेशन लेके उस डाटा को फिल करता है तो अब हम आगे यदि बात करें तो ये था हमारा मेलिंग मेथड। मेलिंग मेथड में हमने क्या देखा कि ये उसके आगे मेलिंग मेथड और इन्यूमरेटर आपको सूटेबिलिटी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करेंगे तो so, सबसे पहले सूटेबिलिटी ऑफ मेलिंग मेथड माइंड इट इट इज मेलिंग मेथड मेलिंग मेथड और दूसरा इन्यूमरेटर्स मेथड इन्यूमरेटर्स मैथड राइट हो जी चले शेल वी प्रोसीड ओके बेटा चलिए सूटेबल तो मेलिंग मैथड कहाँ सूटेबल है वेयर एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी वाइड चार सौ नहीं पाँच सौ नहीं हज़ार डेढ़ हज़ार दो हज़ार लोगों से डाटा कलेक्ट करना है तो किस किस के पास जाके बैठ के, के डाटा इकट्ठा करोगे तो बेटर तरीका क्या है उसको मेल कर दो ठीक है द इन्फॉर्मेट्स इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड भैया एजुकेटेड है तभी तो वो आपके क्वेश्चंस पढ़ पाएगा समझ पाएगा और बिना आपकी प्रेजेंस में वो उसके आंसर देके आपको फिल करके भेज पाएगा मेरिट्स या इकोनॉमिकल है भाई एक बटन ही तो दबाना एक बटन से ही तो आपको ये सस्ता पड़ेगा ना उसको मेल कर दो ई मेल कर दो ठीक है ओरिजिनल है वाइड कवरेज डीमेरिट लैक ऑफ इंटरेस्ट जब मैं सामने नहीं हूँ जिससे मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो हो सकता है वो आना कहीं करे बे मन से उसको भरे और ठीक इंफॉर्मेशन मेरे को ना प्रोवाइड करे लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड यूज रहता है बायसनेस रहेगी और लेस एक्यूरेट होता है और अब हम दूसरे की बात करेंगे उसके सुटेबिलिटी इन्यूमरेटर्स मेथड की सुटेबिलिटी की मैं यदि बात करूं द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज द इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशल एंड स्किल इन्वेस्टिगेटर उसके बाद द इन्वेस्टिगेटर्स आर वेल वर्स्ड विद द लोकल लैंग्वेज तो ये वहीं सुटेबल है जहां इन्वेस्टिगेशन का फील्ड लार्ज है क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे के साथ अनपढ़ लोगों जो जिसको जो, जो कि हम कह सकते हैं कि अनएजुकेटेड हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है सर्वे के लिए तो इसलिए इसका फील्ड लार्ज हो गया ज्यादा लोग कवर हो रहे हैं मतलब द इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर क्योंकि कई बार ओरल क्वेश्चन या जब मैं सामने नहीं हूं तो शायद मैं उसको वो क्वेश्चन ना समझा पाऊं. लेकिन जब मैं उस व्यक्ति के सामने बैठा हूं तो शायद मैं उसको उस क्वेश्चन का मतलब भी समझा पाऊं और उसे ट्रू फीडबैक भी मिल पाएगा इसमें तो वो नहीं है ना इसमें तो हमने सिर्फ मेल किया था द इन्वेस्टिगेटर्स आर वेल वर्श विद द लोकल लैंग्वेज मैं उन पर्सनस हैं जिनसे मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ उसकी लोकल लैंग्वेज उनके कल्चर के बारे में जानता हूँ तो इसलिए मैं उनके आंसर्स को जल्दी समझ जाऊँगा मैरिट्स वाइड कवरेज एक्यूरेट है पर्सनल कॉन्टैक्ट हो सकता है इम्पार्शल रहता है और कम्प्लीटनेस कंप्लीट Complete हमें मिल जाएगा क्योंकि मैं जब मैं खुद फिल कर रहा हूँ तो मैं अपने जो दस पंद्रह क्वेश्चन है वो सारे के सारे ही इकट्ठे पूछूंगा और मुझे सबके जवाब मिल जाएंगे तो डी मेरिट्स क्या है डी मेरिट है ये एक्सपेंसिव मेथड है अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर्स ट्रेंड इन्यूमरेटर्स चाहिए और वो डिपेंड करता है कि हर एरिया में आपको मिले या ना मिले टाइम कंज्यूमिंग है नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन पार्शल और ये पार्शल रहता है टेलीफोनिक इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू दिस मोड द डाटा कलेक्टेड ओवर द टेलीफोन ये टेलीफोन पे डाटा मैं इकट्ठा कर सकता हूँ जैसे आपको फोन किया और आपसे उसके बारे में जानकारी ले ली तो इसकी सूटेबिलिटी क्या है ओरिजिनल डाटा है एक्यूरेट है और रिलायबल रहेगा राइट स्टूडेंट्स समझ आ गया ना तो ये थे हमारे ये मेथड ये तीन मेथड मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है पहला पर्सनल इंटरव्यू जिसके अंडर ये तीन एक कंपैरिजन चार्ट के रूप में आपको बना के दिया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ये दो थे ये भी कंपेरेटिव चार्ट के रूप में बनाया ये एक इंडिपेंडेंट अकेला था स्टूडेंट्स आजकल का टेक्नोलॉजी का टाइम है आपको अच्छी तरह पता है ये वीडियो आप पॉज करके स्लो करके आराम से इसके नोट्स बना के भी देख सकते हो तो इसको चैप्टर को बड़ा ही इंटरेस्टिंग है तो इसको समझने में आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा दिक्कत आनी चाहिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन कैसे बनाना है वो अल्टीमेटली लिंक इस टॉपिक से है इन ओरल इन्वेस्टिगेशन में जहां मेलिंग और इन्यूमरेटर मेथड आते हैं उसमें है क्वेश्चन आपने देखा कि क्वेश्चन बनाना होता है क्वेश्चन का मतलब है या शेड्यूल का मतलब है एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन यूनिफॉर्मिटी से सबको एक जैसे भेजने के लिए द सेट ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चन एंड शेड्यूल्स आर सिमिलर इन बोथ मेलिंग और इन्यूमरेटर मैथड में एक जैसे रहेंगे

ओनली डिफरेंस क्या है इट लाइज बिटवीन टू इज दैट क्वेश्चन द इंटायर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाई द इन्फॉर्मेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेंट ही रिकॉर्ड करेगा सारी इन्फॉर्मेशन एंड इन द शेड्यूल्स ऑन द अदर हैंड द इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाई इन्फॉर्मेंट इज रिकॉर्डेड बाई द इन्यूमरेटर इसमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा है वो पर्सन रिकॉर्ड करता है और यहाँ पे वो रिकॉर्ड करता है जो जिससे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है यही फर्क है फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आपको मेल कर दिया आप इन्फॉर्मेंट हो मुझे आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए आप ये मुझे खुद फिल करके भेज रहे हो और यहाँ पे इनमोरेटर मतलब मेरा ही क्वेश्चनर है मैं सामने बैठ के आपसे फिल करवा रहा हूँ आप मुझे सिर्फ आंसर दे रहे हो ठीक है बट दोनों में क्वेश्चन सेम या सिमिलर हो सकते हैं रादर होते हैं सिमिलर ही होते हैं अगर स्टडी ऑफ इंक्वायरी सेम है तो क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनर क्या है सबसे पहले लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होने चाहिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि बंदा थक ही जाए उसके क्वेश्चन के आंसर देते देते क्वेश्चन सिंपल होने चाहिए कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए लैंग्वेज भी सिंपल होनी चाहिए प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस सीक्वेंस उसका प्रॉपर होना चाहिए क्रोनोलॉजी उसकी ठीक होनी चाहिए नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन इसको एम्बेरस करने वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए नो no कॉन्ट्रोवर्शियल no कोई ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे कॉन्ट्रोवर्सी हो जाए उसके बाद अवॉइड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं डालो जिसमें कैलकुलेशंस करनी पड़े प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे का मतलब है कि स्टूडेंट्स मान लीजिए आपने पांच हजार लोगों को अपना ई मेल कर दिया मेलिंग मैथड में बाद में पता चला उसमें तो स्पेलिंग मिस्टेक्स है बाद में चला पता कि ये क्वेश्चन तो कोई रीजनेबली uh, बनते ही नहीं है जेनुन क्वेश्चंस नहीं पूछे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो तो छु uh, पूछ ही नहीं रहे हो आप तो पांच हजार लोगों को भेजने के बाद आपके इंफॉर्मेशन को तो वो फिल करके देंगे नहीं बेजती अलग से होगी और आपकी रिलायबिलिटी दाव पे आ जाएगी कि यार इनको तो यही नहीं पता कि इनको पूछना क्या है तो इस तरीके की एम्बेरसिंग सिचुएशन से बचने के लिए पहले हम अपने जान पहचान के पाँच चार लोगों को मेल करेंगे उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे उनसे पता चलेगा कि लैंग्वेज कैसी है क्या क्वेश्चन रीजनेबल है डिसेंट है जैन्यन है रिलेटेड टू इंक्वायरी है तब हम आगे लोगों को पास करेंगे क्वेश्चंस। इसको क्या बोलते हैं पायलट सर्वे स्टूडेंट्स उसके बाद इंस्ट्रक्शंस थोड़ी सी होनी चाहिए क्रॉस वेरिफिकेशन का भी स्कोप होना चाहिए रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न और रिक्वेस्ट आपको करनी है कि वो आपको ये रिटर्न कर दे तो स्टूडेंट्स ये सारा टॉपिक था हमारा प्राइमरी डाटा का अब हम दूसरा सोर्स डिस्कस करेंगे जो है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा दो तरीके से हो सकता है एक है पब्लिश्ड सोर्सेज से दूसरा अनपब्लिश सोर्सेज से मतलब ये वो डाटा है जो हम इकट्ठा नहीं करेंगे प्राइमरी सोर्स की तरह ये किसी और ने अपने पर्पस के लिए इकट्ठा किया हुआ है हम सिर्फ उनके डाटा को अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं पब्लिक सोर्सेज में पहला है गवर्नमेंट पब्लिकेशन गवर्नमेंट पब्लिकेशन का मतलब कि कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो अपना डाटा या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना डाटा पब्लिश करते हैं एनुअल बेसिस पे फॉर एग्जांपल रेलवे डिपार्टमेंट मान लीजिए अपना कोई डाटा पब्लिश किया तो अगर मुझे रेलवे से रिलेटेड कोई स्टेटिस्टिक्सकल इंक्वायरी करनी है तो मैं वहाँ से डाटा ले सकता हूँ सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जैसे कि मान लो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं वो कोई सर्वे करती हैं अपनी रिपोर्ट छापते हैं और उस रिपोर्ट को बेस लेके मैं कोई इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करता हूँ रिपोर्ट्स ऑफ एंड कमेटीज़ एंड कमीशन बहुत सारी गवर्नमेंट कमेटीज़ बनती हैं कमीशंस बनते हैं इंक्वायरी के वो अपनी रिपोर्ट जब छापते हैं तो हम वहाँ से यदि इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो भी सेकेंडरी होगी पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड एसोसिएशन जैसे सी आई आई हो गया ठीक है जी इस तरीके के ट्रेड एसोसिएशन वो अपने सर्वे करते रहते हैं अपने रिसर्च करते हैं उनसे डाटा इकट्ठा जो किया और पब्लिश किया हुआ है वो हम ले सकते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वो टाइम टू टाइम पे अपनी इंक्वायरीज करते रहते हैं और अपने रिजल्ट को पब्लिश करते हैं मतलब तो इंक्वायरीज को जो उनकी फाइंडिंग्स हैं उसको हम बेस ले सकते हैं न्यूज़पेपर जर्नल्स मैगजीन से हम डाटा ले सकते हैं पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं अपनी स्टडी को वो पब्लिश कराते हैं हम वहाँ से भी डाटा ले सकते हैं तो इन सारे सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे पब्लिश सोर्सेज इंटरनेशनल पब्लिकेशन जैसे यू जैसे इंटरनेशनल मोनिट्री फंड ये भी कुछ ना कुछ अपने सर्वेज या फाइंडिंग्स करते हैं रिसर्च करते हैं और किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और वो पब्लिश पब्लिकेशंस यदि हम यूज़ करते हैं तो वो भी पब्लिश सोर्सेज ही कहलाएगा सेकेंडरी में और अनपब्लिश क्या है अनपब्लिश सोर्सिस दीज आर सम अनपब्लिश देर आर सम अनपब्लिश सेकेंडरी डाटा एज वेल दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर्स जनरली फॉर द सेल्फ यूज सेल्फ यूज वो अपने ही पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके लिए अपने लिए फाइंडिंग के लिए होता है ऑफिस रिकॉर्ड के लिए दीज डाटा आर नॉट पब्लिश ऐसे डाटा पब्लिश नहीं होते दीज अनपब्लिश नुमेरिकल इन्फॉर्मेशन मे हाउवर बी यूज एज सेकेंडरी डाटा और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को भी सकेंडरी डाटा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये चैप्टर सेकेंड कंप्लीट हो गया है आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा आप मेरे वीडियोस को देख रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर और लाइक डेफिनेटली करें मेरी अगली वीडियोस के लिए अगले चैप्टर्स के लिए मेरे साथ बने रहें थैंक यू